दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य और इसके अलावा बांग्लादेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी महानंदा नदी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों महानंदा नदी भारत और बांग्लादेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। और दोस्तों अगर हम लोग महानंदा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई 360 किलोमीटर है, जिसमें से अधिकतम भाग यानी कि 324 किलोमीटर भारत में बहती है और लगभग 36 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है। दोस्तों महानंदा नदी भारत के पूर्वी भाग में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। दोस्तों अगर हम लोग महानंदा नदी की उद्गम स्थल की बात करें तो महानंदा नदी के दो अलग अलग धाराएं हैं, एक नेपाल में हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलता है और भारतीय राज्य बिहार से होकर बहती है। यहां स्थानीय रूप से इस नदी को फुलहरा नदी के नाम से जानी जाती है और दूसरी धारा 2100 मीटर की ऊंचाई पर दार्जिलिंग की महालदीराम पहाड़ियों पर पागल जोड़ा फॉल से पश्चिम बंगाल के चरम उत्तर से निकलती है। यह महानंदा नदी वन जीव अभ्यारण से होकर बहती है और सिल्लीगुड़ी के पास मैदानों में उतरती है और जलपाईगुड़ी जिले को छूती हुई यह नदी दक्षिण की ओर बहती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और फिर 360 किलोमीटर बहने के बाद नवाबगंज जिले में गंगा नदी में शामिल होने के लिए बांग्लादेश में दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। दोस्तों महानंदा नदी कभी कभी बाढ़ का कारण भी बनती है। सर्दियों के दौरान इस नदी का जल स्तर कम होता है। और दोस्तों भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में सिल्लीगुड़ी और मालदा इसी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।